देशभर के तमाम हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्राओं का दौर जारी है। केंद्र सरकार के मंत्री विभिन्न अंचलों में पहुंचकर जहां केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं, तो वहीं मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये की भी पोल खोल रहे हैं। जनता के बीच सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार और उनका व्यापक जन समर्थन हासिल करने के लिए केंद्र के मंत्री जगह जगह कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत देश के कोने कोने में निकले केंद्र सरकार के मंत्रियों को भारी समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा के दौरान न केवल मानसून सत्र के दौरान संसद में विपक्ष के हंगामे के बारे में जनता को बताया जा रहा है, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि कैसे विपक्ष ने ओबीसी एससीएसटी समेत तमाम वर्गों के मंत्रियों का संसद में परिचय तक नहीं होने दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश के लिए जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व किया। जन आशीर्वाद यात्रा को परवाणु, धर्मपुर, सोलन, कंडाघाट, सोंघी में व्यापक जन समर्थन मिला। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया। चंडीगढ़ में यात्रा की शुरुआत से पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सांसद और सभी शामिल किए गए नए मंत्री लोगों के पास जाएं और उनसे बातचीत करें और उन्हें सरकार के विजन और विभिन्न मामलों में पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में बताएं। केंद्रीय मंत्री ने उन योजनाओं का जिक्र भी किया जो सरकार ने मुश्किल समय में जनता के लिए बनाई है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत कोविड वैक्सीन कहां से बनाएगा, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में पोलियो का इंजेक्शन लेने के लिए भारत को 40 साल इंतजार करना पड़ा, वो भी विदेशों से आता था। ये मोदी ही थे जिन्होंने संकल्प लिया कोविड-19 आते ही कि एक नहीं दो दो टीके बनाएंगे और दोनों भारत के अंदर बनाकर 55 करोड़ टीके भारत की जनता को लगाने का काम भी किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा गुरुवार से शुरू हो गई है। नारायण राणे मंत्री बनने के बाद पहली बार इस प्रकार के जनसंपर्क अभियान में शिरकत कर रहे हैं। नारायण राणे की ये यात्रा 26 अगस्त को कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में समाप्त होगी। इसी कड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुँचे। केंद्रीय मंत्री राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। नया भारत बनाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, पूर्वी भारत को पूर्वोदय में नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए, और निश्चित रूप में पहले से भी हम लोग करके आए हैं, उड़ीसा उसकी लैबोरेटरी होने वाला है, उड़ीसा उसकी प्रयोगशाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4.5 करोड़ उड़िया भाषी हमारे भाइयों और बहनों की जो एस्पिरेशंस हैं, जो कल्पना है कि उड़ीसा को कैसे गठन किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, कैसे प्रोग्रेस में आगे लेके जाया जाए, इस परिकल्पना को एक मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने जो जन जन को छूने वाले डिपार्टमेंट है वो सब उड़ीसा को दिए। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। रिजिजू ने राज्य भाजपा मुख्यालय से इस यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा ईटानगर राजधानी के 6 जिलों को कवर करेगी और 21 अगस्त को नामसाई में समाप्त होगी। अन्य जिले पापुमपारे, लोअर सियांग, पश्चिम सियांग और लोहित हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के कोदड़ में नाला बंदा गुदेम गांव से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री 19 से 21 अगस्त के बीच में 8 संसदीय और 17 विधानसभाओं में जन आशीर्वाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये यात्रा 21 अगस्त को हैदराबाद पहुंचेगी। केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरु में जन आशीर्वाद यात्रा के अंतिम पड़ाव में हिस्सा लिया। आईटी नगर के रूप में विख्यात बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री को व्यापक जन समर्थन मिला। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कई जगहों पर जन आशीर्वाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्हें जगह जगह पर जनता का व्यापक जन समर्थन हासिल हुआ। आज के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भी जानती है और केंद्र भी जानती है कि भविष्य हवाई सेवा के आधार पर ही होने वाला है, तो राज्य सरकारें भी बड़ी बड़े उत्सुक हैं और केंद्र सरकार भी बहुत उत्सुक है।
कि हवाई अड्डों का विस्तारीकरण हो, और मेरी वर्तमान में चर्चा सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हरियाणा के पलवल और फरीदाबाद में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश किया। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी मौजूद रहे। बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आर के सिंह कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने केंद्रीय मंत्री गया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ये यात्रा लोगों को धन्यवाद देने के लिए है, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए है, और यह भी संवाद देने के लिए है कि सरकार क्या कर रही है और सरकार ने क्या किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात के खोडल धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। गौरतलब है कि यात्रा में करीब 39 मंत्री देश की 212 लोकसभा क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को जन जन तक पहुँचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।